दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 10 ऐसी चीजें हैं जो आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानते। दोस्तों हम सभी अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। हाँ होंगे कुछ लोग जो अपने शरीर से ज्यादा पैसों या दूसरी चीजों से प्यार करते होंगे, लेकिन अगर आप हमारी माने तो आपकी सबसे पहली पसंद और आपका पहला प्यार आपका शरीर होना चाहिए, तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। वरना तो आपके जीवन की गाड़ी ऐसी जगह पर रुक जाएगी कि आप चाहे कितना रिपेयर कराने की कोशिश क्यों ना कर लें, आप चाहकर भी उसे ठीक नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों तैयार हैं अपने शरीर के बारे में कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजें जानने के लिए, जिन्हें सुनने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी आपके दोस्त विशाल प्रजापति के साथ ये इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। योर बेली बटन इज अ जंगल। अब ये चीज सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन आपकी नाभि एक जंगल की तरह होती है। कई सारे लोग नाभि के बारे में ये सोचते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके शरीर में माँ के पेट से खाना जाने का ये एक जरिया होता है। पर जरा ठहर जाइए, यहाँ पर इसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि हमारी नाभि में बैक्टीरिया का पूरा इकोसिस्टम रहता है। क्योंकि हमारी नाभि में 1400 से ज्यादा बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए यह आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है। क्राइंग वेन यू गेट हर्ट एक्चुअली गुड फॉर यू। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी तकलीफ में या दुख में रो रहे हैं ये कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रोना एक अच्छी बात है, और आप अगर तकलीफ में और रो रहे हैं ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि जब कभी आप रोते हैं तो आपके आंसू बहते हैं, और आंसू जब बहते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस होता है वो कम होता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आंसुओं को बह जाने दो ताकि दिल हल्का हो जाए। सुपर पेन थ्रेशोल्ड। अब चलिए इसको हम आपको समझाते हैं, क्योंकि भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर आपके साथ कोई बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो दर्द के लिए महसूस होता है, वो आपका ब्रेन उस हिस्से को बंद कर देता है। ऐसा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लोग ये बताते हैं कि उनकी जब कोई सीरियस इंजरी हुई तो उस वक्त उन्हें बहुत कम दर्द होता है, हालांकि बाद में उनका दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जब ये इंजरी होती है तो उनको दर्द महसूस नहीं होता। और ये बात पूरी तरह से फैक्ट है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है ताकि तुरंत इतना भयानक दर्द महसूस करके वो स्ट्रेस में नहीं देना चाहता। गैगिंग हेल्प्स बॉडी रिपेल फॉरेन ऑब्जेक्ट। गैगिंग बाहरी चीजों को आपके मुंह के अंदर जाने से रोकता है। हमारे कई सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये गैगिंग क्या होता है। दोस्तों जब कभी भी हम अपनी जुबान पर ब्रश चलाते हैं तो हमें अचानक से उल्टी महसूस होती है, और उसे ही गैगिंग कहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि कोई भारी चीज हमारे गले में ज्यादा देर तक फंसी रहे तो हमें उल्टी आ जाए और वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जिस चीज की हमारे शरीर को आवश्यकता ही ना हो वो भला गले में फंस कर क्या करेगी। यू लॉस इंटेलिजेंस एज यू एज। दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका इंटेलिजेंस भी कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके सोचने और समझने की शक्ति कम होती जाती है। हालांकि जो लोग मेडिटेशन और योगा करके अपने आप को और अपने दिमाग को स्वस्थ रखते हैं उनके साथ ये प्रोसेस काफी देर में होता है। बाकी जो लोग कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हैं उनके साथ ये चीजें बहुत जल्दी होने लगती हैं, क्योंकि उसके पीछे की हकीकत ये है कि हर दिन आपके दिमाग से 7000 ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। यही कारण है कि 40 की उम्र पार करने के बाद आप छोटी छोटी चीज को लेकर भुलक्कड़ हो जाते हैं। योर बॉडी वॉन्ट लेट यू पूप एट नाइट। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो कभी भी आपको टॉयलेट नहीं आती, और ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आज तक किसी को गहरी नींद में टॉयलेट आई होगी। बाकी अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप अपना विरोध जता सकते हैं, क्योंकि जितनी बायोलॉजी हमने पढ़ी है उसके मुताबिक ये बात तो पक्की है कि अगर आपको नींद में टॉयलेट लगी है तो उसका साफ मतलब है या तो आपका पेट खराब है और या तो आप गहरी नींद में नहीं है। योर फीट विल ग्रो इन योर गोल्डन ईयर्स। अब ये बात शायद ही किसी को पता हो कि आपके पैर हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी कि अगर 16 साल की उम्र में आप 7 नंबर का जूता पहनेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर 7 नंबर का जूता पहनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके पैर का जो तलवा है वो फैलता चला जाएगा। यही कारण है कि आपकी उम्र के साथ आपके पैर का साइज भी बड़ा होता है। इट इजंट योर स्वेट दैट स्मेल्स बैड।
दोस्तों कई सारे लोगों का पसीना बहुत बुरी तरह से बदबू करता है। ऐसे में हम आपको बता दें, उनके पसीने में जो महक आती है वो उनके खुद के बॉडी की नहीं होती, बल्कि पसीने की बदबू बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्योंकि अधिक समय तक अगर आप बॉडी की साफ सफाई नहीं करते तो जो बैक्टीरिया का मल मूत्र होता है वो बदबू करना शुरू कर देता है। यू हैव ए यूनिक टंग प्रिंट। अब ये बात हर किसी को पता होगी कि उनके पास यूनिक थंब प्रिंट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका यूनिक टंग प्रिंट भी होता है? और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका जो टंग प्रिंट है वो दुनिया के किसी भी आदमी से मैच नहीं करेगा। What do back dimples really means? अब इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि जब किसी के भी बैक में डिम्पल होता है, उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी होती है, क्योंकि उनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी हम कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपको नहीं बता रहे, इसलिए इस बात को ज्यादा दिल पर मत ले लेना। और आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।